हाँ जी, वेलकम बैक इन दिस चैनल क्रेजी क्राफ्ट्स वर्ल्ड। आप सब कैसे हो नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। आज मैं लेके आई हूँ दो बैग टैग आइडिया जो आप अपने लगेज में या फिर हैंडबैग में लगा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, इस वीडियो पे बनाने के पीछे एक स्टोरी है, वो भी मैं बाद में बताऊँगी, तो आप देखते जाइए। और हाँ, वीडियो पे आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पे मैं एक फोम शीट ले रही हूँ, आप आपकी मर्जी से कुछ भी कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पर्पल कलर ले रही हूँ, आप कपड़ा भी ले सकते हैं इसकी जगह पर मैं यहाँ पे फोम शीट ले रही हूँ। मैं यहाँ के मेज़रमेंट मैं दे दूँगी। और एक फोम शीट के ऊपर ऐसे मैं फ्रेम बना लिया हूँ, आप देख सकते हैं, बीच के हिस्से में काट करके लिया हूँ। उसके बाद इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी पेंट करूँगी या फिर कोट्स लिखूँगी। ये मैं बैग टैग बना रही हूँ, तो उसी के हिसाब से कुछ ट्रैवल से रिलेटेड या फिर उसी से रिलेटेड कुछ मैं लिख रही हूँ या फिर ड्रॉ कर रही हूँ। आप आपकी मर्जी से, पिंटरेस्ट में बहुत सारे कोट्स या फिर पेंटिंग अवेलेबल है, आप वहाँ से ही कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैंड कर रही हूँ। और मैं जो बात बोलना चाहती थी, ये वीडियो बनाने की मेरी कोई क्या बोलो, मैंने कोई प्लानिंग नहीं था, क्योंकि मेरी इस हफ्ते जो वीडियो आना था उसका जो क्लिप्स था वो ओरिजिनल क्लिप्स ही मेरे से डिलीट हो गया। पता नहीं कैसे हाफ से ज़्यादा वीडियो मेरा डिलीट हो गया, तो इसीलिए वो वीडियो मैं नहीं डाल पाया। इसीलिए मैं अल्टीमेट मोमेंट पे ये क्रिएट किया हूँ आपके लिए, ताकि इस संडे भी आपसे मिस ना हो जाए वीडियो। इसीलिए नहीं तो एक संडे मिस हो जाता था। इसीलिए मैं यहाँ पर, यही है बैक स्टोरी, कोई भी प्लानिंग नहीं था इसका। अब यहाँ पे मैं थोड़ी और डिटेलिंग करूँगी इसके ऊपर। मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डॉट दे रही हूँ, ताकि एक सिलने का, जैसे आप हम जब स्टिच करते हैं तो यह ऐसे लगता है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे ड्राइंग से ही वो कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे ना एक्रेलिक कलर यूज़ किया है, आप उसकी जगह पे आप चॉक पेन भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं पहले से ही सबको असेंबल करने से पहले ही मैं यहाँ पे होल कर लूँगी, जिसके अंदर हम धागा डालेंगे या फिर हैंग करने के लिए कुछ डालेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक OHP शीट लगा रही हूँ, ट्रांसपेरेंट शीट। ये एक फ्रेम जैसा बनेगा, इसके अंदर आप अपनी नाम, एड्रेस वगैरह जो भी डालना चाहते हो तब डाल सकते हो, ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जो वीडियो मैं डालना चाहती थी इस हफ्ते, वो था एक प्लास्टिक DIY, प्लास्टिक बॉटल या फिर प्लास्टिक से जुड़े हुए कुछ चीज़ें, प्लांटर वगैरह। तो वो मैं तो आप नहीं डाल पाऊँगी वीडियो, क्योंकि कुछ भी क्लिप्स नहीं है मेरे पास। तो मैं एक काम करूँगी, उसका जो फ़ोटोज़ है जो मैं बनाई थी ओरिजिनल में, उसका फ़ोटोज़ मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो कैसे लग रहा है, मुझे बताना ज़रूर। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है, वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए ऐसे सारे बहुत तरह की फ़ोटो देखने के लिए। और एक बात यहाँ पे आप देखिए, अब हम इन दोनों को एक साथ स्टिक करेंगे, पर ऊपर की तरफ मैंने ग्लू नहीं लगाया है, अब देखा है ना, उसी के अंदर से हम टैग या फिर कुछ लिखने का चीज़ है वो अंदर डालेंगे। तो देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैं जूट रोप यूज़ कर रही हूँ, कलरफुल जूट रोप। आपके पास कलरफुल जूट रोप नहीं है तो आप नॉर्मल जो जूट रोप है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ कॉटन का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? बहुत सारे 96% ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब देखते तो है पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने हर हफ्ते वीडियो देती हूँ, DIY वीडियो या फिर हॉल वीडियो मैं देते रहती हूँ, तो प्लीज़। चलिए आप चलते हैं सेकेंड आइडिया। हमारे घर पे ऐसे बहुत सारे जीन्स हैं जो हम लोग फेंक देते हैं, क्यों ना उसी को यूज़ करें। यहाँ पे देखिए, जो इस वाले पार्ट को हम नहीं फेंकेंगे, इसको हम अच्छे से ट्रिम कर लेंगे, ताकि उससे एक हैंडल बना सके जो हैंग कर सकते हैं। तो आप देखते जाइए मैं कैसे बना रही हूँ। ये इस पार्ट को हम नहीं फेंकेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, कोई भी कॉपी का जो कवर होता है वो थोड़ी हार्ड होता है, उस कवर को ही मैं ले लूँगी, मैं मेज़रमेंट स्क्रीन पे दे दूँगी, उसी तरह से मैं काट कर लूँगी। अब इसके ऊपर ये जो कपड़ा है, इसी के ऊपर मैं ये कार्ड को मैं चिपकाऊँगी। आप यहाँ पे फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं या फिर हॉट ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, और या फिर जो फेब्रिक ग्लू आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं।
आप चारों तरफ से भी अच्छे से हम इसको फोल्ड कर देंगे ताकि एक इवेंट जैसा लुक आए। यहाँ पे मैं फेविकॉल का जो फेब्रिक ग्लू आता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे बैक में थोड़ा जगह आप खाली देख रहे हैं वहाँ पे मैं एक कपड़ा लगा दिया ताकि इवेंट सा लुक आए। अब ये रेडी हो गया। इसके बाद थोड़ी डेकोरेशन के बारे, यहाँ पे जो साइड का पोर्शन मैंने कट किया था उसी का एक पार्ट लेके मैं यहाँ पे स्टिक कर दूँगी। तो चलिए अब है डेकोरेशन के बारे। यहाँ पे मैं डेको ट्रांसफर शीट यूज़ कर रही हूँ। ये इप्सी बिप्सी है, मैं ये दोनों का एक फ्लावर एंड बटरफ्लाई ये दोनों का यूज़ करूँगी। पर ये इप्सी बिप्सी मैं खरीदा हूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इन दोनों को अच्छे से कट करके अब मैं जगह दिखूँगी कहाँ पर अच्छे लगेंगे। उसके ऊपर आप देखिए प्लास्टिक शीट रहता है, उसी को निकल के पहले बैक साइड से चिपकाऊँगी, दूसरे को भी मैं ऐसे ही करूँगी। उसके ऊपर अब मैं अच्छे से गीला कर लूँगी उस पेपर को, नहीं तो ये नहीं निकलेगा। गीला करने के बाद अच्छे से आपको इस ऊपर की कप ऊपर के जो पेपर है उसको अच्छे से निकलना पड़ेगा, है ना, बहुत इजी। ओके, तो देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। तो बिल्कुल रेडी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं मॉड पॉज लगा रही हूँ इस पेपर को सील करने के लिए। अब मैं कोट्स लिखूँगी। पहले भी की तरह मैं आप कोट्स लिख सकते हैं या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं। आप आपकी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे बैग टैग है तो आप नाम भी लिख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिख रही हूँ, थोड़ी ट्रैवल लिख रही हूँ। पता नहीं आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका कोई प्लानिंग नहीं था मेरे पास। तो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं हर हफ्ते वीडियो देती रहती हूँ, हर हफ्ते संडे, इसीलिए। देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। यहाँ पे जो फ्लावर एंड जो बटरफ्लाई है उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है यहाँ पे, इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी जगह पे वाइट और पर्पल या फिर ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि ये उभर के आए। और आप देख सकते हैं कि इसका हैंडेड जो जिसकी मदद से हम हैंग करेंगे वो भी मैं स्टिक कर दिया है। यहाँ पर मैं एक तरफ को मैंने ग्लू से स्टिक किया और दूसरा हिस्से को मैं वेलको से स्टिक किया ताकि वेलको को ओपन करके मैं हैंग कर सकती हूँ, इसीलिए। तो देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं अगली संडे एक फ्रेश वीडियो के साथ।